नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मछला हरण के बारे में बताऊंगा। आलाखंड काम में दोस्तों एक अहम हिस्सा रहा है मछला हरण का, उसका मैं भाग भाई भाग जिक्र करूंगा। दोस्तों आला उदल मछला आपको बता दें, पहले राजा होते थे मांगलिक राजा, मतलब जो मांगलिक राजा होते ही एक सेनापति थे उससे मांगलिक राजा कहा जाता था, और उन्हें अपने अनुसार निर्णय करने का पूरा हक था। वैसे ही दोस्तों आपने सुना होगा मांगलिक राजा जो आला थे, आला की जो पत्नी थी जिसका नाम था मछला, मछला दोस्तों वो स्त्री थी जिसने कई युद्धों में भाग लिया, तलवार से तलवार से युद्ध किया दोस्तों, जादू भी जानती थी दोस्तों। वो मछला हरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सावन का मास चल रहा है, श्रवण, सखियाँ झूला झूल रही हैं, जगह जगह झूला पड़े हुए हैं दोस्तों, झूला पड़े हुए हैं। मछला ने झूला पड़े हुए देखे और कहा, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं झूला झूलूंगी, मैं अपने फूल बाग में झूला डलवाऊंगी। दोस्तों फूल बाग महोबा में स्थित था, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई स्थिति नहीं थी, चारों तरफ से उसके रास्ते थे, चारों तरफ से राजा आते जाते थे दोस्तों। तब मछला ने अपनी सासु बिजला से कहा, बिमला, कहा मुझे झूला झूलना है, मुझे फूल बाग में झूला झूलना है, झूला डलवा दो। सासु बोली, बहू चिंता मत करो, परेशान मत हो, फूल बाग में नहीं मैं आपको यहीं पर झूला डलवा दूंगी महल में। तभी वो बोली, नहीं मैं तो फूल बाग में ही झूला झूलूंगी दोस्तों। फिर सासू माँ बोली, वो सुरक्षा के दृष्टि से सही नहीं है, चारों तरफ राजा आते हैं, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान रहता है, दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पथरीगढ़ का राजा था ज्वाला सिंह, जो माता काली के संग युद्ध लड़ता था, वो बहुत घनघोर युद्ध लड़ता था दोस्तों। जो पथरीगढ़ का राजा था ज्वाला सिंह, उसके दुर्ग में एक मंदिर था माता काली का, उस दुर्ग में माता काली का रोज पूजन करता था, उसने माता को प्रसन्न करके माता के स्वयं साथ में युद्ध करता था दोस्तों। बहुत ही बलवान था, बहुत ही वीरवान था, वही पथरीगढ़ का राजा था दोस्तों। पथरीगढ़ आपको बता दें भारत में, महोबा तो उत्तर प्रदेश में है, छठा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे एमपी बोलते हैं, एमपी का जिला है एक सतना, सतना की एक तहसील है मझगमा, मझगमा के अंतर्गत दोस्तों ये दुर्ग इसका बना हुआ है ऊपर पहाड़ी पर, जिसे पथरीगढ़ कहते थे, वहाँ का राजा ज्वाला सिंह था, जहाँ का राजा ज्वाला सिंह था दोस्तों। उधर सासु के बार बार मना करने पर मछला नहीं मानती है, फिर सासू माँ दासी से कहती है, दासी जाओ इसी समय राज्य कचहरी में जाओ और छोटे भिराता उदल को बुला के लाओ, वो ही इन्हें समझाएंगे दोस्तों। जैसे ही दासी पहुँचती है, उदल से कहती है, चलो आपकी माँ बुला रही हैं, भाभी बुला रही हैं। तब उदल कहते हैं, क्या काम है? कि भाभी को झूला झूलना है दोस्तों। उदल आते हैं, कहते हैं, माँ क्या बात है? कहती हैं, बार बार जिक्र कर रही हैं कि झूला मैं फूल बाग में डलवाऊंगी दोस्तों। भाभी से कहा उदल ने, भाभी क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हें झूला ही तो झूलना है, मैं अच्छा सा झूला डलवा दूंगी, फूल बाग अच्छा नहीं है, चारों तरफ वहाँ राजा हैं,
दोस्तों वहाँ मत झूलो। भाभी ने कहा, उधल तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम में तो 210 हाथियों का बल है, तुम चाहे जिस राजा को परास्त कर सकते हो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तुम्हें ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है लड़ने को। दोस्तों ऐसे वचन सुने भाभी ने उधल से कह रहे हैं, तुम बिछिया पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो, नाक छुन बुदवा लो, साड़ी पहन लो, जनानी बन जाओ, घर पर बैठो, मैं स्वयं जाके झूला झूल लूँगी। दोस्तों मछला के कठोर वचन सुन रहे हैं उधल, उधल समझा रहे हैं भाभी के पैया पर रहे, भाभी मान जाओ, यही झूला झूल लो, झूला तो ही झूलना है। एक तरफ ज्वाला सिंह है, एक तरफ पृथ्वीराज है, क्यों बैर लो बिन फालतू में की लड़ाई है। दोस्तों नहीं मानते हैं फिर क्या होता है, ध्यान से सुनिए श्रोताओं। उधल जब कहता है मछला से, मछला नहीं मानती है, मछला कहती है तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम में ताकत नहीं है, मैंने कई खुद लिए लड़े हैं, मैं एक राजा की लड़की हूँ, मैं स्वयं जाके झूल लूँगी, मुझे सामर्थ्य है। दोस्तों अब उधल को गुस्सा आया, उधल ने कहा, भाभी चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मेरी जान चली जाए, दोस्तों मैं तुमको झूला फूल बाग में ही झुलाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों ये बात कही उधल ने, उधल को झुकना पड़ा अपनी भाभी के सामने, लेकिन भाभी नहीं मान रही थी, भाभी तो जिद कर रही थी दोस्तों कि हमें तो झूला फूल बाग में ही झूलना है, क्योंकि मछला भाभी तो हमेशा जिद्दी थी, जैसे गंगा स्नान के लिए जिद कर रही थी, जहां अपना बेटा दल को हरण हो गया था। दोस्तों देखिए मछला का कैसे हरण होगा, आप इस वीडियो को अलग अलग भाग देखिए। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं भाग बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी थोड़ी लेकर चलूंगा दोस्तों। मछला दोस्तों बार बार अपनी उधल देवर को ललकार रही है, दोस्तों उधल भी जाने को तैयार हो गया।